राजस्थान, दिस फ्रॉम क्लास 4 लेसन नंबर 8। ओके, राजस्थान कहाँ है आप लोगों को पता है ना? राजस्थान कौन से दिशा में है? वेस्ट में है। ओके, सो राजस्थान ये चैप्टर में पढ़ूंगी, फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? सो राजस्थान सचमुच रंग रंगीला है, मीन्स राजस्थान के जो लोग हैं सब मतलब खुशी से रहते हैं, फिर फेस्टिवल जो है अच्छे से एंजॉय करते हैं। रंग रंगीला सबसे ज्यादा राजस्थान और राजस्थान के लोगों पर ही फबता है, मीन्स फबता बोलने से जमता है, मतलब वो लोग हमेशा कपड़े देखने से भी उन लोगों का मतलब रंगीली रंगीले कपड़े पहनते हैं, आप लोग देखेंगे उनके पगड़ी जो पहनते हैं सिर पे वो भी रंगीला होता है। इस तरह मतलब लोग क्या बोलते हैं फेस्टिवल पसंद करते हैं, गाना पसंद करते हैं, खाना वाना, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, उन लोग बहुत मतलब एक्साइटिंग है, ठीक है, और जाने में भी बहुत अच्छा लगता है। फिर इंद्रधनुषी रंगों की झिलमिलाहट समेत और रंग बिरंगे परिधानों से सजी धजी यहाँ की लोक संस्कृति को देखकर लगता है मानो प्रकृति ने अपने सारे रंग उसमें उड़ेल दिए हैं। मतलब अगर देखे इंद्रधनुषी बोलने से इंद्रधनुष मतलब रेनबो, जैसे सब रंग इंद्रधनुष के जितने रंग हैं, कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष के? 7 रंग, ठीक है। सो जैसे सब 7 रंग वहीं पे भगवान ने या फिर प्रकृति ने नेचर ने सब उधर ही रख दिया है। उनके परिधान, उनके कपड़े जो पहनते हैं वो लोग, वो भी रंग बिरंगी होते हैं, सजी धजी। उन लोग जैसे कैमल होते हैं वहाँ पे, ऊंट होते हैं, ठीक है, ऊंट में भी वो लोग क्या क्या पहना के उसको मतलब सजा के रखते हैं, सब मतलब सजना संवरना ये सब उन लोग को अच्छा लगता है। राजस्थान के लोग खूब मेहनती होते हैं, मतलब बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं, अपने कुछ भी अगर कपड़ा हो कपड़े को अच्छे से बनाते हैं, खाना हो या फिर मतलब कुछ काम कमाने के लिए कुछ अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से करते हैं। साथ ही वे नाच गाने के आनंद में डूब कर जीवन को खुशियों से भर देना जानते हैं, मीन्स मतलब काम करने के बाद जो थकान होती है वो थकान को मिटाने के लिए गाना गाते हैं। फिर उन लोग का जो संस्कृति में जैसे संस्कृति में होता है नाच जो भी हो उन लोग का, वो सब गा के या फिर नाच के अपना मन बहलाते हैं, ठीक है। फिर वे जोश के साथ पर्व उत्सवों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जैसे उन लोग का जो भी पर्व हो उसमें मतलब हर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करके अपना मतलब थकान मिटाते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं इस तरह से। वैसे तो राजस्थान में मेले की निराली छटा हर जगह मिल जाती है, पर वहाँ के पुष्कर मेले की तो दूर दूर तक धूम है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मेले लगते हैं, मेले मतलब मेला मतलब फेयर, और वहाँ पे अलग अलग तरह के मेले लगते हैं, और एक सबसे ज्यादा विख्यात मतलब सबको पता है, ठीक है, वो है पुष्कर मेला। सो पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है, उसको तीर्थराज भी कहते हैं। पुष्कर एक तीर्थराज है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसलिए उनको तीर्थराज कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। देश विदेश से हजारों पर्यटक हर साल इस मेले को देखने आते हैं। सो इस मेले को देखने के लिए बाहर से देश विदेश में से अलग अलग देश में से ये मेला देखने के लिए आते हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में माउंट आबू भी है, जहाँ दिलवाड़ा प्राचीन जैन मंदिर विश्व में शिल्प कला के अद्भुत नमूने हैं, जहाँ पत्थर पर इतनी महीन नक्काशी की गई है कि आंखें वहीं अटक कर रह जाती है। जैसे पर्यटन स्थल टूरिस्ट स्पॉट जो है, तो पहले एक तो हुआ पुष्कर का मेला, उसके बाद क्या है माउंट आबू है, ठीक है। माउंट आबू में एक जगह है दिलवाड़ा, जहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, उस वो जैन मंदिर है, और वहाँ पे शिल्प कला मीन्स आर्किटेक्ट ने वहाँ पे पत्थर पे अलग अलग मूर्तियां बनाई रखी है, ठीक है, वहाँ पे तो बाहर से वो लोग ये सब देखने के लिए आते हैं। फिर राजस्थान की धरती वीरता ओज और हुंकारों की धरती है, राणा सांगा और प्रताप की धरती है, जयमल और फत्ता जैसे महान वीरों और पद्मिनी सरेखी वीरांगनाओं की धरती है, मीन्स ये सब जैसे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट भी है, पर्यटन स्थल भी है, उसी तरह से बहुत सारे वीर भी यहाँ पे जन्म लिए हैं, ठीक है, जो जिन्होंने अपने देश के लिए लड़कर हमारा देश का नाम फैलाया है। फिर जौहर और स्वाभिमान का धरती है, फिर राजस्थान की चर्चा हो तो वहाँ के किलों की चर्चा ना हो यह वाला कैसे हो सकता है। सो राजस्थान में बहुत सारे किले है, सो वहाँ पे जो जो किले हैं उनके नाम हैं, जैसे
जहाँ ऐसे विशाल किले हैं कि इन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किस सूझबूझ से इन्हें बनाया गया है। इनमें प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर और डींग के किले। ये सब किले पहले पुराने जमाने में बनाया गया है, प्राचीन काल में। जैसे अभी तो बहुत सारे आर्किटेक्ट है, डिजाइनर्स है, वो अलग अलग टाइप के डिजाइनर बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय में तो इतना आर्किटेक्चर इतना अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे अच्छे किले बनाए थे, इसलिए सब लोग इसको देख के दम रह जाते हैं कि वो लोग कैसे बनाए इतने अच्छे से अच्छे अच्छे किले। ये किले राजस्थान के गौरव और गर्व का प्रतीक है। सो इसी वजह से बहुत बाहर से टूरिस्ट आते हैं कि ये सब कैसे है, इसलिए मतलब राजस्थान गर्व करता है कि हमारे राज्य में इस तरह के किले हैं। इसके अलावा जयपुर का हवा महल और उदयपुर का जल महल बेहद प्रसिद्ध है, जिन्हें देखकर दूर दूर से पर्यटक आते हैं। सो इसके अलावा भी जितने सारे किले हैं, उसके अलावा भी हवा महल है और एक है जल महल। जल महल में जल के बीच में है, और हवा महल मतलब इतना बड़ा है और इतनी सारी खिड़कियां है कि उसमें हवा एकदम अच्छे से आती जाती रहती है, इसलिए उसको हवा महल कहते हैं। राजस्थान के लोक कलाओं और लोक उद्यमों में तमाम चीजें हैं और अपना स्थानी नहीं रखती। इनमें राजस्थानी चुनर, लहंगे और वस्त्र है कि उसके अलावा नागौरी जुटिया और मोजरी भी है। सो किलों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं राजस्थान की, बहुत पॉपुलर है। जैसे राजस्थानी चुनर, जैसे वो रंग बिरंगी चुन्नी होती है वो, फिर जुटिया है, फिर मोजरी है, ये सब बहुत पॉपुलर है। जयपुर के पावरवी की रजाइयाँ भी बहुत प्रसिद्ध है, जो हल्की और काफी गर्म है। सो एक ब्लैंकेट टाइप का रजाई जो है, ब्लैंकेट जैसा है, जो कॉटन से बना हुआ था, लेकिन बहुत पतला और हल्का है और उससे बहुत गर्म मिलता है, ठीक है। तो खाने में राजस्थान के लोग चटपटे खाने के शौकीन हैं। भुजिया और नमकीन तो यहाँ से लोग विदेश भी लेके जाते हैं। सो वहाँ की भुजिया, जैसे बीकाजी भुजिया आप लोग खाते हैं, बीकानेर से आता है, इसलिए इस तरह की चीजें राजस्थान में बहुत पॉपुलर है और वो लोग ये सब खाने के बहुत शौकीन है। यहाँ के पशुओं में मुख्यतः गाय, भैंस, ऊंट और भेड़े हैं, ये सब वहाँ पे पाले जाते हैं। ऊंट यहाँ का देहात का मुख्य सवारी है। सो ऊंट को जैसे आप लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, वही ऊंट है ना, कैमल, ठीक है। उसी तरह से मतलब देहात में, गांव में ऊंट को सवारी की तरह इधर से उधर जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। अपने गद्देदार पैरों की बनावट की वजह से वो रेत में आसानी से चल सकता है, क्योंकि ऊंट इसलिए है, इसलिए कि वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, और उसकी पाँव की जो बनावट है उस वजह से वो आराम से रेत में चल सकता है, इसलिए ज्यादातर गाँवों में लोग ऊंट पालते हैं। सो बाकी जानवरों से ज्यादा ये ऊंट वो लोग ज्यादा पालते हैं, ताकि वो लोग इधर से उधर आराम से जा सके, सामान ढोना, फिर घूमना फिरना, ये सब वहाँ पे ऊंट से किया जाता है। राजस्थान की एक और अलग-अलग पहचान है वहाँ की अद्भुत कठपुतली कला। कठपुतली कला मीन्स पुतला कांच से बनता है और हाथ से हिला हिला के उसको नचाते हैं, और ये बहुत फेमस है, ठीक है। कठपुतलियों द्वारा नए पुराने कितने ही किस्से कहानियां का मंचन हो चुका है। मीन्स पुराने जो ऐतिहासिक कहानियां है वो कठपुतली कला की तरह द्वारा बच्चों को दिखाया जाता है। राजस्थानी लोगों की जिंदा दिल की दाद देनी पड़ती है। प्रकृति यहाँ इतनी गंभीर है, शायद इसलिए यहाँ के लोग इतने जिंदा दिल है। लोक नृत्य, लोक संगीत यहाँ के जीवन में रसा बसा है। मतलब सब लोग गाना गाना, फिर नाचना, ये सब उनके खून में बसा हुआ है। जैसे हर समय वो लोग कुछ भी फंक्शन हो जाए मतलब रेडी रहते हैं कि हम लोग नाचे गाए इस तरह से। फिर मीरा की भी इस पावन भूमि पर भक्ति की रस धारा भी निरंतर बहती है। तो मीराबाई के बारे में आपने सुना होगा शायद, वो कृष्ण भगवान की भक्त थी, उसी उनका जन्म भी वही पे हुआ है। सो वो जो गाना मतलब भगवान को प्रार्थना करते थे, जो गाना गाते थे, वो सब भी हर समय मतलब शाम के समय या फिर सुबह के समय वहाँ के लोग गाते रहते हैं। शाम के समय फुर्सत में सुर छेड़ना यहाँ के लोगों को प्रिय है। मीन्स शाम के समय जब बहते रहते हैं, मतलब एक
एक दूसरे को मतलब एक गाना गाता है दूसरा भी गाता है, इस तरह अपने आप अपने गाने का जो तजुर्बा है वो लोग दिखाते रहते हैं। नृत्यों में काल बेलिया नृत्य भी धूम धूम तो प्रगति मैदान में भी लगने वाले मेलों में भी बखूबी देखी जाती है। सो कालबेलिया में एक वहाँ का नृत्य है, ठीक है, वो मतलब प्रगति मैदान में भी वो दिखाते हैं, जो भी कभी मतलब मेला लगता है वहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लेकिन नाम नहीं पता है आप लोग को, मतलब ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ, बड़े बड़े चूड़िया, बड़ा बड़ा चुन्नी लगा के घूम घूम के नाचते हैं, ठीक है। स्वभाव से ही राजस्थान के लोग उत्सव प्रिय है, मतलब वो अपने मतलब जन्म से ही अपने स्वभाव से ही अपने मतलब बचपन से उन्होंने वो लोग देखते आए हैं, इसी तरह से उन लोग को मतलब उत्सव जो भी फेस्टिवल है उन लोग को बहुत पसंद है। त्योहार में गणगौर और तीज राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाते हैं। सो दो फेस्टिवल है जो बहुत अच्छे से वहाँ पे मनाया जाता है, मेन फेस्टिवल जो कह सकते हैं हम गणगौर और तीज है, ये दोनों वहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हाथों में मेहंदी लगाए और गहने गहरे रंग की घगरा चोली पहनी महिलाओं और लड़कियों का उत्साह इन त्योहार पर देखने लायक होता है, मतलब महिलाएं इस दो जो फेस्टिवल है उसमें मतलब गहरे रंग के रंगीले लाल मतलब हरा नीला मतलब जो डार्क रंग होता है वैसे पहन के फिर मेहंदी लगाते हैं, डार्क करके फिर गहने पहनते हैं, ये सब पहन के मतलब उन लोगों को देखने लायक है, उनका सज सज के निकलते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह में भी साल भर यात्री आते रहते हैं, तो वहाँ पे एक जगह है उसको कहते हैं अजमेर शरीफ, और वहाँ पे भी पूरे साल यात्री मतलब टूरिस्ट आते रहते हैं। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, सो एक ख्वाजा जो मुस्लिम लोग के एक टाइप कहते हैं प्रिस्ट जैसे, तो वो उनका एक दरगाह है वहाँ पे आते रहते हैं लोग। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या के लोग आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। साल भर मेला सा लगा रहता है और सालाना उर्स के समय तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है, मतलब पूरा साल ही जैसे मेला हो वैसा रहता है उस जगह पे, क्योंकि हर साल पूरे साल में ही वहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं। सो मतलब इसमें लिखा है और सालाना मतलब वार्षिक ईयरली जो मेला होता है वो तो देखने लायक है, वहाँ पे इतनी रौनक होती है। सो आप लोग भी इस चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से समझिए और नीचे जो वर्ड में लिखा गया है वो पढ़ के याद कीजिए। थैंक यू। Stay home, stay safe, do it for yourself, do it for your family, do it for India. Let's break the chain of COVID-19. We can overcome it. Jai Bharat, Jai Hind.